करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजूनी शैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती जो भई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सदै तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा
सब बैरन को आज संधरी है। पूरन होए हमारी आशा कौन भजन की रहते आशा। मैं चाहत कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे भाई है चुन चुन सब हमारे भाई है। आप हाथ दे मुझे उतरी है मरन काल का त्रास भरी है। जो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तुजो करे राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दुष्टन के हंता तुम हो तुरीज दुर्दस संता। काल पाए ब्रह्मा बकतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर दुष्टन का सा सकल काल का किया तमासा। जमन काल जो भी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो सतरन को कल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। जब उद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा। जेते बदन सृष्ट सब थार है आप अपनी भूल उचार है। निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग। ताका मूल उचार तुकेता जाको केवन पाव तुकेता। ताको करता हन अनुमान तुम्हा मूल कछ भेद न जानता। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीवन देते। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण तृतेन तेन तोह देती। तुमरा लखा न जाए पसारा के बिन सजा प्रथम रंग पयो कहूँ पूर राजा है बैठा कहूँ से मत पे शंकर कहता। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग। करे इनके दुष्ट दुखत है मरे। जवन पद करे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते हैं ताके काल कट नहीं है। अच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो ताके ताप नक मोहर हो। रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासन सत्य में मोही। एक बार दिल तुम्हें समारा काल पास ते ताहे उबारा। जिन्नर नाम ते हारो कहा भारत दुष्ट टोकते। कल्प के तुम्हें सर्व तिहारी आप हाथ रैले हो उबारी। सर्व टोर मोहो सहाई दुष्ट टोकते ले हो बचाई। सर्व टोर मोहो सहाई। तुमसे अजोरी तुमसे अजोरी साची प्रीत हम तुमसे तुमसे अजोर अवर संग तोरी। तुमसे अजोर
कीर्तन
कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। यहाँ वहाँ जो काम तेरे, जो काम तेरे, जो काम तेरे, कीर्तन कर मन मेरे, कीर्तन कर मन मेरे, दृष्टि सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे करी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, यहां वहां जो काम तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति इतनी सिंपल है, इसका क्या अर्थ करना। ऐसा कीर्तन कर जिससे तेरे हृदय का उल्टा कमल सीधा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां कई जगह पर आती है वाणी में। हृदय में कमल है जो उल्टा है, अभ्यास से वो सीधा हो जाता है गुरु की कृपा से, और जिस दिन वो सीधा हो गया फिर अखंड कीर्तन चलता है भीतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वही बात है, कुआं खोदो पानी नहीं निकलता जब तक थोड़ा पानी डाला ना जाए, पानी डालते हैं फिर कुएं में से पानी निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कीर्तन ही अखंड कीर्तन शुरू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कीर्तन, इसका भाव समझ लें आज के। कीर्तन होता क्या है, कीर्तन करता क्या है। गुरु नानक पातशाह कीर्तन लेकर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नई बात देखी थी संसार ने, जादू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगीत और वाणी का मिश्रण, ऐसा मिश्रण के पत्थर को मोम कर दिया गुरु नानक पातशाह ने, पत्थर हृदयों को, हृदयों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सज्जन जिसे हम ठग कहते हैं, एक शब्द सुना, एक शब्द गुरु नानक पातशाह ने शब्द की चोट की, सारे पाप सामने आकर खड़े हो गए, चरणों पर गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों कत्ल किए जिसने, निर्दय राक्षस स्वभाव, एक शब्द की चोट लगी, गुरु नानक पातशाह ने गाया।
बदल के रख दिया, सज्जन ठग से सज्जन संत बना दिया। घर से बोलिया धन गुरु नानक, ना जाने कितनों को गुरु नानक के कीर्तन ने घर से बोलिया धन गुरु नानक। और गुरबाणी में अंकित हो गया, कल युग में इस युग में कीर्तन प्रधाना, जिसका मन नाम जपने में नहीं लगता, कोई बहुत ही बुरे स्वभाव का अत का पापी इंसान हो, जिसका पाठ सुनने में मन न लगे, कीर्तन करने में मन न लगे, जिसका नाम जपने में मन न लगे, संगत में आके बैठ जाए कीर्तन में, उसका भी मन लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये है कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कीर्तन की वड्याई क्या करें, और कीर्तन होता क्या है इसे पहले समझ लें, बहुत गलत फहमी है इस पे भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी वचन किया करते थे कि हम लोगों ने कीर्तन को प्रदर्शनी बना दिया है, कीर्तन को कंपटीशन बना दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कीर्तन था क्या, रह क्या गया है। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी वचन किया करते थे, कहते थे कई लोग ये बात कहते हैं कि सुनने वालों का स्तर गिर गया है, इसलिए क्लासिकल या राग का कीर्तन वो सुन नहीं पाते, उठ के चले जाते हैं। पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक बात कहा करते थे, यही बात ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी भी कहते हैं, कहते हैं जब भाई मर्दाना जी कीर्तन करते थे, वो तो गांव वालों के बीच में जंगलों में बैठकर करते थे, राक्षसों के बीच में बैठकर करते थे, जानवरों के बीच में बैठ के करते थे, उन्हें कौन सा ज्ञान था राग विद्या का। घर से बोलिए दान गुरु नानक, जानवर खड़े हो जाते थे जब भाई मर्दाना जी कीर्तन करते थे। यहां पर समझने वाली बात यह है, संगीत ताल सुर हर चीज मायने रखती है, हर चीज। पर बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कीर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गायकी राग विद्या हर चीज को नमस्कार। पर कहते थे अगर उसमें प्रेम शामिल नहीं कोई नहीं सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम, एक नाम आता है इस इतिहास में, भाई हीरा सिंह जी। अगर इतिहास में एक्चुअली जितने भी लेखक हुए हैं सब ने उनके बारे में लिखा है, एक ही रागी के बारे में, हीरा सिंह जी के बारे में किताबों में बार बार उनका नाम आया है। वो ऐसे कीर्तनी थे साथ संगत जी, जब वो कीर्तन करने बैठते थे कोई उठ नहीं पाता था। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। और उनके जीवन की घटनाएं, कमाल की घटनाएं मिलती है। एक जगह वो शिमला में कीर्तन करने गए कहीं पर, रात का समय, लिखारी लिखता है, कहता है मैं साथ में था अलग कमरे में, रात को 12:30 कहने लगा मेरी कानों में आवाज आई कीर्तन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बड़ा प्यारा प्रकरण है आज का। इसे समझना ध्यान से साथ संगत जी, ये मत समझना, ये गलत फहमी मन से निकाल देना कि जो हम गा रहे हैं यहाँ पर यही कीर्तन है। हर कोई कीर्तनिया बन सकता है, हर कोई कीर्तन कर सकता है, क्योंकि गुरु नानक सुर ताल का भूखा नहीं प्रेम का भूखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसे पाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हीरा सिंह जी शिमला कीर्तन करने गए, लिखारी लिखता है मैं दूसरे कमरे में, मेरे कानों में आवाज आई कीर्तन की, कहां से, दूर पहाड़ी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते भाई हीरा सिंह जी एक छोटा सा हारमोनियम अपने साथ रखते थे, उस दिन पता चला क्यों रखते थे। 12:30 रात को कहने की आवाज आई, मैं आवाज के पीछे चल पड़ा, काफी दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर अकेले कीर्तन कर रहे हैं भाई हीरा सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, रात को 12:30 का समय अकेले कीर्तन कर रहे हैं। कहने के मैं दूर बैठ गया, लिखारी लिखता मैं दूर बैठ गया सुनने के लिए, क्योंकि ऐसी आवाज ऐसा रस
मैं मोहित होकर बैठ गया और पास में इसलिए नहीं गया मुझे देखकर वो रुक ना जाए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहने लगे दो घंटे तक तकरीबन ढाई बजे तक वो गाते रहे, बीच बीच में काफी देर तक चुप कर जाए, फिर गाए, फिर काफी देर तक चुप कर जाए। कहने लगे मैं जब वो उठे तो मैं छिपके आकर अपने कमरे में लेट गया और वो भी आए, उन्होंने आकर अपने साथियों को उठाया, आशा जी दीवार का कीर्तन करना है, तैयार हो जाओ। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। और फिर सुबह आशा जी दीवार का कीर्तन किया जहां पर बुलाया था गया था। लिखारी लिखता है मैंने उससे पूछा बाद में भाई हीरा सिंह जी से कि बात बताओ अकेले किसे कीर्तन सुना रहे थे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। संगत भी नहीं थी, कोई नहीं था, किसे सुना रहे थे और बीच बीच में चुप क्यों कर जाते थे। भाई हीरा सिंह जी ने जवाब दिया, कहने लगे जो संगत में कीर्तन करते हैं वो तो मैं धन के लिए करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में कीर्तन करता हूँ उसके बदले मुझे लोग धन देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सत्कार देते हैं, मेरा कीर्तन का सारा कुछ वो ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास कुछ नहीं बचता, ये जो मैं अकेला कीर्तन गुरु नानक को सुनाता हूँ जिसने कीर्तन की दात बख्शी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरे और उसके बीच का काम है, मैं उसे सुनाता हूँ जो वो जो देता है वो मेरा अपना है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वो जो उस वक्त प्रेम देता है वो मेरा अपनी कमाई है। ये हम सब के लिए, हम सब कीर्तनियों के लिए जितनी भी दुनिया में है, हम सब के लिए ये ज्ञान की बात है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दूसरा सवाल किया, बीच बीच में आप चुप कर जाते थे। भाई हीरा सिंह जी ने कितनी कमाल का जवाब दिया साथ से, कहने लगे जब मैं गाता था गुरु नानक सुनते थे, पर जब वो बोलना शुरू करते थे मैं चुप कर जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था देखिए साथ संगत, कीर्तन करने वाले कोई प्रेम वाला हो वो गुरु से बातें करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। यहाँ उहाँ जो काम तेरे, जो काम तेरे, जो काम तेरे। कीर्तन कर मन मेरे, कीर्तन कर मन मेरे, कीर्तन कर मन मेरे, कीर्तन कर मन मेरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक, जब उन्होंने वाणी की संपादना करनी शुरू की साथ संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की संपादना करनी शुरू की, तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को गोविंदवाल साहब भेजा, बाबा मोहनदास जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके पास पोथियां पड़ी थी वाणी की, इतिहास में लिखा है बाबा मोहनदास जी चुबारे पर बैठे हैं, अपनी समाधि लगाकर, समाधि स्थित है
गैर गंभीर समाधि होती थी, उनकी कई कई दिन नहीं खुलती थी, कई कई हफ्ते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा मोहनदास जी चौबारे पर बैठे हैं, समाधि स्थित है। बाबा बुड्ढा जी नीचे दरवाजा खटखटा रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, और वो समाधि नहीं खोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में बाबा बुड्ढा जी वापस आ गए, गुरु अर्जन देव जी महाराज को सारी वार्ता सुनाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई गुरदास जी को भेजा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी गए, दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी, पर समाधि नहीं खुल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दरवाजा तोड़ने का हुक्म नहीं है। भाई गुरदास जी भी वापस आ गए, गुरु अर्जन देव जी महाराज वाणी का सत्कार देखिए साथ संगत जी, क्या नहीं कर सकते गुरु अर्जन देव जी महाराज, पर वाणी का सत्कार, स्वयं गए, खुद गए वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाकर जब देखा बाबा मोहनदास जी समाधि स्थित हैं, क्या किया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, नीचे बैठ गए धरती पर और कीर्तन शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगत के साथ बैठकर कीर्तन शुरू कर दिया, और जैसे ही कीर्तन शुरू किया, इतनी ऐसी हृदय से पुकार, गा भी कौन रहा है, पांचवें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि ठहर जाए जब हो गए तो। बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है इतिहास में कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को ऐसा कोई भी साज नहीं था जो नहीं आता था उस समय। तंती साज, हर साज गुरु अर्जन देव जी महाराज निपुण थे उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कीर्तन किया, इसी पुकार के हृदय से बाबा मोहनदास जी की समाधि खुल गई, पुकार से। और समाधि खुलने के बाद बिना बोले पोथियां लेकर आए, दरवाजा खोलकर उनके आगे कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सारी संगत को एक संदेश दिया, बड़ी कमाल का साथ संगत जी, जो मैं भी सुनकर दंग रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, जिस प्रकार ये कीर्तन से, वाणी के कीर्तन से समाधि खुली, पोथियां, वाणी की पोथियां दर्शन देने स्वयं बाहर चलकर आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी गुरु, गुरु है, गुरु स्वयं चल के बाहर आए। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं दृष्टांत देकर, जिस प्रकार कीर्तन सुनकर, कीर्तन की पुकार सुनकर समाधि खुली और गुरु स्वयं चलकर बाहर आया दर्शन देने। कहते थे कोई निमाना होकर अंदर से, भीतर से, कैसे वो पंक्तियां है ना, मैं बाहर चुक के देख लिया हूं, अंदरों चुकना बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर से तो हम सब झुक जाते हैं, अंदर से, भीतर से अपने आप को खत्म करके निमाना होकर कोई कीर्तन से पुकारे गुरु नानक को, कहते थे गुरु नानक मजबूर हो जाएगा बाहर आकर दर्शन देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात समझ लेना साथ संगत, मैं ये बात किसी के काम आ जाए इसलिए बता रहे दास। कुछ लोगों को गुरु नानक की मेहर से, कुछ यंग जनरेशन के लड़के पंजाब साइड के ही हैं और एक दो यहाँ पर हैं, मुझसे एक बार बैठे बैठे जो क्लोज हो जाते हैं यादव, वो सवाल पूछ लेते हैं। वो कहने लगे कि ऐसी जुगती है जिससे जल्दी अवस्था ऊंची हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुतों के मन के होता कई साल हो गए लगे हुए हैं, अवस्था नहीं मिल रही। ये अवस्था दास, ये जुगती दास को महापुरुषों ने बताई थी, दास संगत को बता रहा है, कोई कर ले, उन्होंने की है। और मैं हैरान हूं, वो जो यंग जनरेशन के कुछ लड़के हैं उनकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई है साथ संगत जी, अब इतनी ऊंची हो गई है एक इस जुगती की वजह से, मैं हैरान हूं। इतनी जल्दी भाव महीनों में उनकी अवस्था वो हो गई है जो जन्मों में नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या पाठ तो सब करते हैं, सिमरन भी हम सब गुरु साहब जी करवाते हैं, सब कुछ होता है, सुबह शाम जब भी समय मिले, समय निकाल के करो। एक्चुअली में कोशिश करो टाइम फिक्स कर लो, उसके अलावा भी कम से कम 20 मिनट अकेले बैठ जाओ कहीं पर,
और गुरु नानक को हाजिर नाजिर जानकर शब्द सुनाओ, शब्द सुनाओ गाकर, उसे केवल उसे, कोई नहीं होना चाहिए। हर से बोलिए दान गुरु नानक, क्योंकि उस वक्त जो पुकार निकलेगी ना, बात याद रखना बार बार, बाबा ईश्वर सिंह जी नानक सर वाले वचन किया करते थे, प्रभु दे गुण गा पावे कट्टे मांगड़ा। यार से बोलिए दान गुरु नानक। कट्टा कहते हैं गाय के बछड़े को, जब वो रोता तो बड़ा अजीब सा बेसुरा राग के जैसे रोता है कि सुना नहीं जाता। बाबा ईश्वर सिंह कहते तेरी आवाज वैसी है तब भी प्रभु के गुण गा। यार से बोलिए दान गुरु नानक, क्योंकि गुरु आवाज का नहीं, गुरु प्रेम का भूखा है। तू अकेला जब 20 मिनट उसे पुकारेगा ना, अगर गुरु नानक ने सुन लिया, जिस दिन गुरु नानक ने तेरा शब्द सुन लिया, तेरी अवस्था उसी वक्त पता नहीं कहां पहुंचा देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। युक्ति है करके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, निमाना हो के कोई कीर्तन करे, पुकार करे, गुरु नानक को बाहर आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, यहाँ वहाँ जो काम तेरे, हाँ जो काम तेरे, जो काम तेरे, कीर्तन कर मन मेरे, कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, हाँ जो काम तेरे, जो काम तेरे, कीर्तन कर मन मेरे, कीर्तन कर मन मेरे। जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नी, ना हो ना तू रह छुटे, निकट न जायो दूत, निकट न जा। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंक्तियों पर ध्यान दीजिए कितनी कमाल की। धर्मराज जमदूतों से कह रहा है, धर्मराज वाणी में अंकित है पंक्तियां, जमदूतों से कह रहे हैं, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन, ये तीन चीजें हो जहां पर साधु हो नाम जपने वाला, जहां पर गोविंद का भजन होता हो, कीर्तन होता हो, पर नीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर एक बात समझ लेना, नीत की बात आ गई यहां पर, नित रोज। लोग कहते हैं हम नितनेम करते हैं, जो नित नहीं वो नितनेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 दिन कर लिया एक दिन छूट गया, 20 दिन कर लिया एक दिन छूट दिया, साल भर कर लिया फिर एक दिन छूट दिया, वो नितनेम नहीं। जो कभी ना छूटे वो है नितनेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका नितनेम पक्का उसे तो इतने वर है, वो प्रकरण ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, जो नित है, जहां पर ये तीन चीजें हो जमदूतों वहां चले मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कह रहा है जमदूतों से वहां चले मत जाना, अगर क्योंकि वहां चले गए तुमसे और मुझसे दोनों से सवाल पूछे जाएंगे क्यों गए थे, हुक्म किसका हुआ था वहां जाने का, और हमें सजा भी हो सकती है। ना हो ना तू न छूटे, ना तुम छूटोगे ना मैं छूटूंगा अगर वहां चले गए तो। कहां जय गोविंद, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो न तू न छूटे, निकट न जायो दूत।
ना हो न तू न छूटे, निकट न जाइयो दूत, उसके पास मत चले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन की बढ़ियाई देखिए, कीर्तन बार बार दास यहाँ पर वापस रिपीट करेगा। कीर्तन वो ही नहीं है सिर्फ जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, हर कोई कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन का भाव होता है उसकी कीर्ति, उसकी उस्तत, उसे पुकारना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रेम से पुकारेगा अकेला बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट भी एक शब्द रोज सुनाएगा गुरु नानक को, वो है कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब कीर्तनीय हैं, दास गा रहे पीछे आप गाते हो, आप भी कीर्तनीय हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन नानक नीत। एक बड़ी प्यारी घटना याद आई बाबा नंद सिंह जी के समय की। कीर्तन का समय हो गया, बाबा नंद सिंह जी वेट कर रहे हैं, एकदम पंक्चुअल थे बाबा नंद सिंह जी। एक मिनट कोई लेट हो जाता था ना तो बहुत सख्त सजा देते थे कीर्तनी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का स्वभाव बड़ा सख्त था, बहुत सख्त। जीवन पढ़ो ना तो ऐसा लगता है कि वो सेवादार उनके साथ रहते कैसे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कांप जाता है शरीर, इतनी सख्ताई, किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं, कोई भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताको को परवाह काहू को जय गोपाल सा है, उनको किस बात की परवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कीर्तन का इंतजार करें, कीर्तन ने कीर्तन शुरू करें, शुरू नहीं हुआ। एक मिनट ऊपर हो गया, बाबा नंद सिंह जी ने बेल खटका दी, बोरे में बैठे होते थे, घंटी खड़का दी। सेवादार से पूछा कीर्तनीय कहाँ है, सेवादार फटाफट भागा। उस समय रागी थे कीर्तनीय संता सिंह रागी, हेड रागी थे। पहुंच गए, देखा वो तो चढ़ाई कर गए, मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिला हिला के देखा, देखा श्वास ही नहीं चल रहे। अच्छी तरह चेक किया, 3-4 लोगों को और बुलाया, 10-15 मिनट वापस है, कहने लगे पाछा वो तो मर गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी रो में आ गए, कहने लगे मूर्ख आदमी, जीते को मरता कहते हो, जाके फिर से उठाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकल नहीं, बाबा नंद सिंह जी ने डांट दिया, ये वापस गए उठाने तो उठ के बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन की हाजिरी भरी, सबने बाद में पूछा भाई हमने देखा था तुम मर गए थे, तुम वापस जीवित कैसे हुए, क्या हमें गलतफहमी हुई थी। संता सिंह रागी खुद कहता है मैं मर गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर गया था मैं, मुझे देवता लेने आए, मैं देवताओं के साथ जा रहा था। बाबा नंद सिंह जी आगे से छड़ी लेकर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसके हुक्म से इसे लेने आए हो, हम कीर्तन सुनने के लिए बैठे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वहां से बाबा नंद सिंह ने मुझे भी ताड़ना की, मेरा क्या कसूर, मुझे तो ले गए। पर मैं वापस आया, कीर्तन किया। बाबा नंद सिंह जी ने उसे कमरे में बुलाया, संता सिंह को, संता सिंह खुद लिखवाता है ये घटना। बाबा नंद सिंह जी ने उसे वचन किए, भाई तू हमारा कीर्तनिया है, हमारी खुराक है, तू कीर्तन सुनाता है, पहले हम जाएंगे बाद में तू जाना, पहले हम जाएंगे तूने बाद में जाना है। संता सिंह कह रहे मैं सतवचन कह दिया, और ये इतिहास में है सात संगत जी, कोई पुराना नहीं। बाबा नंद सिंह जी का जब 10वां हुआ, जिसे 13वां कहते हैं, बाबा नंद सिंह जी जब शरीर छोड़ गए, उन 10वें में संता सिंह ने शरीर छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत सिंह भाई, संत सिंह जी कीर्तनीय बाबा नंद सिंह जी के, गुरु नानक पाशा कितना प्यार करते थे कीर्तन से, भाई मर्दाना। एक दिन ये बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में ले रहे हैं। गुरु नानक पाशा ने एक मछली में से, एक बहुत बड़ी मछली थी उसमें से उसका उद्धार किया गुरु नानक पाशा ने। लंबी घटना, कभी फिर लेगा दास। तो जब उसने माफी मांगी, जब उसकी आत्मा प्रकट हुई उस मछली में से, उसने माफी मांगी अपनी गलती की कि मैंने आपका एक वचन नहीं माना था, इसकी वजह से मुझे ये जोनी भुगतनी पड़ी, आपने तर्स किया, मेरा उद्धार किया। भाई मर्दाना पास में खड़े रह के सब सुन रहा है, घबरा गया, मन ही मन सोचने लगा कि इसने, इस देवता ने, ये देवता था कोई, मछली जी का रूप बना हुआ था, गुरु नानक पाशा की निरंकार की एक बात नहीं मानी तो इसे बेचारे को मछली बनना पड़ गया। मैं तो रोज कितनी बातें नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना मन ही मन रोकर, मन ही मन रोने लगा और घबरा गया। गुरु नानक पाशा उसकी मन स्थिति समझ गए, कहने लगे मर्दानिया तू क्यों फिक्र करता है, तू मेरा कीर्तनिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे सारे गुनाह माफ,
जो मुझे कीर्तन सुनाता है गुरु नानक पाशाह ने उस वक्त वचन किए, बाबा नंदसिंह जी वचन किया करते, सुन के मन को शांति मिल जाती थी। घर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि डर लगता है ना अपने गुनाहों से। बाबा नंदसिंह जी के वचन वहां पे लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर कि कीर्तनियों के गुनाह गुरु नानक बख्श देता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। पर कीर्तनिया हो, कीर्तनिया हो जो प्रेम से कीर्तन सुनाता हो गुरु नानक को, तो हम सब कीर्तनीय भाई। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, बन जाओ कीर्तनीय, रोज शब्द सुनाओ गुरु नानक को। कितनी बड़ी बात कह दी गुरु नानक ने भाई मर्दाना से। बाबा नानसिंह जी वचन करते थे, कोई भी गरीब आ जाता था ना कीर्तनिया। एक बड़ी प्यारी घटना है, घटना तो बहुत है, इस वक्त टाइम कितना होगा। कीर्तनी आ जाते थे जिनके कपड़े फटे हुए, बाबा नानसिंह जी कहते थे कि हो गुरु का कीर्तनिया, तू धनवान कैसे नहीं, तेरे पास किसी चीज की कमी कैसे। कहने लगे बाबा जी प्रोग्राम ही नहीं मिलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानसिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी, कितनों के साथ ये वचन है। बाबा नानसिंह जी कहने लगे ये गुरु नानक बैठा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ इशारा करके कहने लगे ये गुरु नानक बैठा है, एक शब्द सुना, गुरु नानक का भोजन है कीर्तन, भोजन खिला, मांग ले जो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे ने कीर्तन शुरू किया, क्या हमारे जैसा ही था, कीर्तन क्या शुरू किया, राज न चाहो मुक्त न चाहू मन प्रीत चरण कमला रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी ने रोक दिया, कहने लगा मूर्ख, एक तरफ कहते हैं मुझे धन चाहिए, तो गुरु नानक से तो क्यों वल छल करते हो, वहां तो सीधी बात करो ना कि जो चाहिए मांग ले, जातू मेरे वाले तो क्या मो चंदा, तू सब कुछ मैंने सौंपे तेरा बंदा, लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जो चाहिए सीधा मांग ना, चाहिए धन, कह रहा है राज न चाहू मुकुत न चाहू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे सीधी बात, जो पुकार हो हृदय की वो कहना है इससे। ये तो संगत में कीर्तन करना होता है तो मुझे अलग अलग शब्द लेने पड़ते हैं समझाने के लिए, पर अगर अकेले बैठे हो तो जो हृदय की पुकार हो वो गुरु नानक से बात करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के पास आ गए भाई सुरजन सिंह जी, हरमंदर साहब के हजूरी रागी, कमाल का कीर्तन साथ संगत जी, उनकी आशाई दीवार, ये थोड़े दिन पहले शब्द लगाया था मिल मेरे प्रीतमा जी हो तुदबिन खरी निमानी, ये उनकी बनाई हुई धुन थी, उनकी बनाई हुई ऐसी धुन है कि आज तक हजारों रागी पढ़ते आ रहे हैं मन नहीं भरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा लगता है इस शब्द के लिए यही धुन है। वो भाई सुरजन सिंह जी कीर्तन करने आगे महापुरुषों के पास, बाबा ईश्वर सिंह जी थे उस वक्त बाबा नंद सिंह जी के बाद जिन्होंने सेवा संभाली, गद्दी नहीं सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गद्दी कह देते हैं ना, ये गादे से रहे गादे से रहे। बाबा नंद सिंह जी कहते गद्दी का मालिक केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाकी जितने भी हैं सब सेवादार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई सूर्य सिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, बाबा ईश्वर सिंह जी सुन रहे हैं। कीर्तन के बाद कीर्तनियों को सत्कार देने के लिए कमरे में बुलाया कुछ देने के लिए, बाबा ईश्वर सिंह जी देखा भाई सूर्य सिंह जी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए, जगह जगह से। कहने लगे हो गुरु का कीर्तनिया, कैसी हालत क्यों। वो कहने लगे महापुरुषों क्या बताऊं, कोई प्रोग्राम नहीं मिलता, हम भी कीर्तन करते दूसरे राग भी कीर्तन करते पर हम करते हैं कोई सुनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने आंखें बंद कर ली, अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी समय बाद आंखें खोल के कहते हैं दुकान में सामान ही नहीं है, सौदा ही नहीं है, खरीदार कहां से आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान में सौदा नहीं है, सामान ही नहीं है, खरीदार कैसे आएगा। भाई सूर्य सिंह जी बात को समझ ना सके, कह लगे महापुरुषो अगर पता चली गया है बीमारी का, बीमारी भी बता दो इलाज भी बता दो। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे तेरा नितनेम क्या है। चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हो गुरु का कीर्तनिया, पांच वाणियों का नितनेम भी नहीं, केवल दिखावा ही हो गया सिखी स्वरूप का, कोई नितनेम नहीं, कोई माला नहीं, कोई जपजी सब्जी का पाठ नहीं, जब अंदर कुछ है ही नहीं कीर्तन कैसे कोई सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सूर्य सिंह जी ने हाथ जोड़ दिया, कहने लगे महापुरुषों को आप कृपा करो सुमत बख्शो। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे वचन मान, कहने लगे करके देख ले 40 दिन 40 माला मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले शुरू कर दे, जब भी भूख पड़े रात को बैठ जा करके देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
भाई सुरजन सिंह जी ने बात मान ली साथ संगत, बात तो बात मानने वाले की बनती है। कीर्तन वही 10 दिन हुआ था, 10 के 12 दिन इतिहास में लिखा है हुआ कि अमृतला संभालते हुए 40 माला मूल मंत्र करते हुए एक प्रोग्राम मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आज तक प्रोग्राम नहीं मिला था, एक प्रोग्राम मिल गया। किसी के घर में गए, कीर्तन किया, वहां पास में एक सेठ बैठा था, वो आवाज से खींचा चला आया, कीर्तन सुनने बैठ गया। कीर्तन सुनने के बाद उसकी भावना इतनी बन गई इनके ऊपर, तो जब ये बाजे उठाने लगे, कहने लगा मैं बाजे उठा देता हूँ हाथ में। सेवादार कहते हैं ना बाजे हम उठा देते, कीर्तन को नहीं उठाने देते, सत्कार देते हैं, हम उठा देते हैं, मैं आपको टांगे तक छोड़ाता हूँ, टांगे में रखवा देता हूँ। तो भाई सूर्य सिंह जी कहने लगे भाई हम तो टांगे पे नहीं आए, हम तो पैदल आते हैं। वो हैरान हुआ, क्या पैदल आते हो? कहने लगा हमारे पास टांगे के लिए पैसे ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सूर्य सिंह जी कहने लगे टांगे के लिए पैसे ही नहीं है, हम तो सर पे बाजा उठा के या कंधे पर उठाकर लेकर आते हैं। सेठ कहने, सेठ जो कीर्तन से इतना प्रभावित हुआ था, देखिए कीर्तन वही था जो इतने सालों से वो कर रहे थे, 40 माला मूल मंत्र की शुरू की है करनी, 40 दिन भी नहीं हुए। वो सेठ ने जेब से चाबी निकाली, कहने लगा बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, इसे ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में गाड़ी किसी किसी के पास होती थी, किसी किसी के पास, वो राजा महाराजा गिना जाता था। सेठ ने चाबी निकाल के दे दी, गाड़ी ले जाओ मेरी। भाई सुरजन सिंह जी कहने लगे भाई मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं, हम गाड़ी ले जाके क्या करेंगे? सेठ ने कहा मैं अपना ड्राइवर भी देता हूँ, उसकी तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा, अब ड्राइवर के साथ गाड़ी ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सुरजन सिंह जी हाथ जोड़ दिए, भाई हाथी दरवाजे पे बांधने वाली बात है, इसको तेल कौन डलवाएगा इसमें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, गाड़ी खड़ी कर लेंगे, उसमें पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। वो सेठ ने जेब से डायरी निकाली, उस पर लिख के दिया कि फलाने पेट्रोल पंप से यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया करो, पैसे भी वहां मैं दे दिया करूंगा, अब तो ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सुरजन सिंह जी अपने खुद सुनाते हैं ये घटना, कहते हैं मेरी आंखों से आंसू आ गए, कीर्तन तो वही है मेरा, कोई पूछने वाला नहीं था, एक सेठ अपनी गाड़ी ड्राइवर पेट्रोल सब देने को तैयार हो गया, ये क्या है नितनेम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन वही है, कीर्तन के पीछे ताकत होती है नितनेम की, क्योंकि नितनेम के बिना प्रेम पैदा नहीं होता। बाबा कुंदन सिंह जी वचन किया करते थे कि कीर्तन शय है प्रेम की, प्रेम से गाना है, पर बिना नेम के प्रेम पैदा नहीं होता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले बिना नेम के मैं प्रेम से गाऊं, वो प्रेम से हो ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीर्तन कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तरह सगले कुल तारे, खुद तो तर जाएगा कीर्तन करने वाला जिसका कीर्तन गुरु नानक सुन ले, सारी कुलों को तार देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है हर दरगे पच्छ हो जाएगा, बड़े शान से बड़ी इज्जत से दरगाह में प्रवेश करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करे शुक्राणा, करे शुक्राणा, करे शुक्राणा, करे शुक्राणा। करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राणा, कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राणा, करे शुक्राणा, करे शुक्राणा, करे शुक्राणा, करे करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राणा, कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राणा।
करके पावे मान निमाना करे शुक्राना करे शुक्राना करे शुक्राना करे शुक्राना कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राना शुक्राणा
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Namah।
जय गुरु जी की। Oh.